भक्तिबुद्धि का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों के जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज भाई, अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। पीटीआई ने अपने दौर में एक मंसूबा भी दिया है तो दिखा दें। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया, उन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है, अमरीका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है, ओवरनाइट हम उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इकदाम उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाल्लाह ताला खत्म होगा। पंजाब में स्मोक का मसला खत्म करने में चंद साल लग जाएंगे। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, उस पर काम हो रहा है, जल्द नतायज सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 साल बाद अब दोबारा पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज विल नीड एन एस्टिमेटेड US dollar 6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries as we have faced 2 devastating floods and are still recovering from the loss. माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तानी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए यूएन फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब, ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ से मुतालिक तकरीब में कहा कि दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स हैं, इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ से मशरूत है। शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ के लिए ताजिक सदर की मेज़बानी में तकरीब के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान, शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तुर्क आज़रबाईजान बेलारूस के सदूर से मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, दोनों रहनुमाओं में गर्म जोशी से मुसाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आइनी बेंच तश्कील, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच के सरबराह होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आइनी बेंच में शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मसर्रत हिलाली भी आइनी बेंच में शामिल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आइनी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आइनी बेंच 14 नवंबर बरोज जुमेरात सुबह 9:30 बजे आइनी केसेस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए पीटीआई रहनुमाओं को छोड़ दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा, मलिक अहमद खान बच्चर को अडियाला जेल पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए पंजाब की तारीख की पहली 10 साल जामे पॉलिसी बनाई है, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दावा।
कहा स्मोक के खात्मे के लिए पहली दफा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। हर सेक्टर को आहदाफ दिए हैं और वज़ीर-ए-आला खुद कारकर्दगी की मॉनिटरिंग कर रही हैं। 1000 सुपर सीडर्स तकसीम कर दिए। कल 5000 सुपर सीडर्स तकसीम करके मूंजी और फसलों की बाकियात जलाने का मुकम्मल खात्मा होगा। पंजाब में फजाई आलूदगी के बाइस तालीमी इदारे बंद। रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोधा, डीजी खान, भावलपुर डिवीजन में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। पहली से 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 12वीं क्लास तक तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। मजकूरा अजला में 17 नवंबर तक तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राणा सिकंदर हयात कहते हैं स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के बाइस तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। पंजाब के दफ्तरों के 50% अमले को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। डीजी माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद ने तमाम सेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी। मुरासले के मुताबिक 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होंगी। बदतरीन स्मोक ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाल दिए। लाहौर 767 AQI के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर, रावलपिंडी दूसरे, जबकि पिशावर पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। इस्लामाबाद में भी फजा आलूदा तरीन, धुआं और धुंध के बादल छाए हुए हैं। शहरी आंख, नाक और गले की बीमारियों में मुबतला 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खतरात लाहक हैं, अक्वामे मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयां। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटों में 2200 से जायद गाड़ियों के 45 लाख के जुर्माने कर दिए। बगैर हिफाजती इकदाम चलने वाली 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी मुख्तलिफ थानों में बंद। लाहौर में 41 एंटी स्मोक स्क्वाड्स तश्कील। दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को पहले 2000 जबकि दूसरी मरतबा 4000 का जुर्माना होगा। IMF वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, टैक्स वसूलियों और इकदाम पर ब्रीफिंग। फरीकैन के दरमियान बजट खसारों, तवानाई, रेवेन्यू और कर्जा वापसी के प्लान पर बातचीत। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही बारे आहदाफ का बताया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के अहकाम। एक्साइज नार्कोटिक्स कंट्रोल का सूबे में भरपूर ऑपरेशन का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कल से सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाए। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। इंसदाद मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नार्कोटिक्स कंट्रोल की टीमों से तआवुन के लिए तैयार है। लाहौर में LPG ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहरीन ने मुल्तान रोड ठोकर न्याज बेग पर LPG के बड़े बाउजर खड़े कर दिए। मुजाहरीन का नेशनल हाईवे पुलिस की जानिब से नाजायज चालान बंद करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में 10 रोजा लोक मेले की रौनकें जारी। मेले में चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। शहरियों की बड़ी तादाद खींची चली आई। मेले में शरीक खवातीन का स्टॉल्स पर रश। तमाम सूबों के शहरी अपनी सकाफती रंगों में नजर आ रहे हैं।